नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे आरओ 2022 की वैकेंसी पर, जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ये परीक्षा आयोजित की जाती है। इसकी दिसंबर 2022 में वैकेंसी आने की संभावना है, नोटिफिकेशन आने की संभावना है। और हम लोग ये बात कर रहे थे कि ये वैकेंसी जो है वो क्यों हमारे लिए एक बेहतरीन मौका है। ये वाली जो वीडियो है, इसका एक वीडियो पहले भी आ चुका है जिसमें हम लोग ने इसमें से कई सारे मुद्दों पर बात कर चुके थे। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो इसके डिस्क्रिप्शन में हम वो वीडियो टैग कर देंगे, आप उसे पहले देख लें, उसके बाद ये वीडियो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। फिलहाल हम लोग बात करने जा रहे हैं इसके सैलरी पर्क्स, इन सब बारे में। उससे पहले एक शॉर्ट रिकैप ले लें कि पिछले वीडियो में हम लोग देखा था कि चूंकि हाल ही में कई सारे प्रमोशंस हुए हैं इस पद के, तो इसलिए संभावना है कि अब जो वैकेंसी आएगी वो पहले की तुलना में बढ़ी हुई आएगी। यानी कि आमतौर पर जितने पद आरओ के आते थे वैकेंसीज में, उससे इस बार पद जो है वो ज़्यादा बढ़े हुए आएंगे। ये बहुत ज़्यादा भी बढ़े हुए नहीं होंगे, जैसा कि कई यूट्यूब चैनल वाले अपना फैला रहे हैं कुछ भी न्यूज़ की, हाँ 2,000-1,500 ऐसे करके पद आएंगे, इतने भी ज़्यादा नहीं होंगे, परंतु निश्चित तौर पर जो हर बार आते हैं उससे ज़्यादा बढ़ के ही आएंगे। उसके बाद हम लोग ने बात की थी कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न वो जो है ओ लेवल वालों के लिए और जो हिंदी मीडियम वालों के लिए, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। और यहाँ से मैं बल्कि एक चीज़ आपको और सजेस्ट करना चाहूँगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अभी अगर इस परीक्षा की तैयारी या इस आयोग के परीक्षाओं की तैयारी शुरू किए हैं, तो उनसे मैं ये ज़रूर निवेदन करूंगा कि आप लोग किसी भी तरीके से ओ लेवल या फिर ऐसी कुछ एक डिग्री जो है वो अपने पास इकट्ठा कर लें आप लोग, मतलब उसको जो है ऐसे कोर्सेस कर लें साथ में, क्योंकि इससे आपका ये परीक्षा जो है वो काफ़ी हद तक आसान हो जाती है। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में कट ऑफ के माध्यम से समझाया था कि अगर आरओ की कट ऑफ प्री में 122 जा रही है तो एआरओ की जाती है 85, तो इससे आप समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा अंतर रहता है। मेंस में भी यही अंतर देखने को मिलता है। तो अब जैसे मैं जब मेंस का दिया था पहली बार, में जब मैंने मेंस का दिया था 2017 में, तो उस बार जो मेरे मेंस के मार्क्स थे वो मेरा इतना था। अब जैसे एआरओ की जो कट ऑफ गई थी, ऑब्वियसली आरओ मेरा नहीं हुआ, परंतु एआरओ की जो कट ऑफ गई थी उससे मेरे करीब करीब जो है वो 65-70 मार्क्स ज़्यादा थे, एआरओ की कट ऑफ से 65-70 मार्क्स ज़्यादा थे। पर चूंकि मेरे पास ओ लेवल नहीं था तो इसलिए मैं नहीं क्वालिफाई कर पाया, और वही आरओ के लिए उसमें मैं मतलब नहीं हो पाया इतने ज़्यादा मार्क्स होने के बावजूद भी, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन जो है वो बहुत एक टफ लेवल का हो जाता है मेंस में। उसका कारण ये है कि इसमें जो सिलेबस है वो छोटा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और सिलेबस छोटा होने की वजह से इसको सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, और उसमें फिर वो बहुत रिफाइंड तरीके से इसको जो बहुत ज़्यादा अच्छी जिसकी प्रिपरेशन होती है, यानी अगर आप अच्छा कर रहे हैं वही नहीं ज़रूरी है, आपसे बेहतर भी कोई ना करे, मतलब आपके जो आपसे ज़्यादा अगर कोई अच्छा कर दिया तो उसके इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्ट होने के। चलिए, तो ये सारी बातें समझी थी हम लोग ने, जॉब प्रोफाइल समझा था, हॉलीडेज वगैरह समझे थे कि किस तरीके से एक 5-day जॉब है, आप उसके साथ में अपनी कोई और प्रिपरेशन जैसे PCS की या UPSC की, ये सभी प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर आप कोई ऐसा छोटा मोटा कुछ अलग भी अगर नया शुरू करना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, कोई बुक लिखना चाहते हैं, कविताएं लिखना चाहते हैं, जो भी कुछ आप करना चाहते हैं आप यहाँ पर, आपको बहुत ज़्यादा वर्कलोड फील नहीं होगा और आप इस काम को आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आज हम लोग जहाँ से अपनी बात शुरू कर रहे हैं वो बेसिकली सैलरी एंड पर्क्स से रिलेटेड है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये सैलरी जो है इसमें जो आपका 4800 ग्रेड पे है, गजेटेड ऑफिसर वाला ये रैंक है आरओ की, और जो ये एआरओ है वो आपका गजेटेड नहीं है, परंतु आरओ जो है वो एक गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है, और 4800 ग्रेड पे के बराबर ये जो इसका सैलरी रहती है वो है। और इसमें आप कह सकते हैं कि जो इसकी पहली सैलरी बने वो करीब जो है आप मान के चलिए कि 65-68 हज़ार रुपये, यानी एक अराउंड मान लीजिए 70 हज़ार रुपये तक एक अराउंड बनेगी, एग्जैक्टली अगर बोलें तो 68,000 के लगभग आप मान लीजिए कि इतना जो है आपका एक अराउंड अमाउंट जो है ये बनेगा सैलरी इसकी पर मंथ की। उसके बाद में कई सारी सुविधाएं इसमें मिलती हैं, जैसे आपको लखनऊ के सबसे पॉश एरिया में वो आपको इसमें घर मिलेगा अगर आपका सचिवालय में हो जाता है। पहली बात तो आपका इसमें जो दो ही जगह स्कोप ही बचता है, जो वैकेंसी होती है वो आपको पता है कि UPSC में आती है,
और जो सचिवालय में आती है और राजस्व परिषद, इस तरीके से दो ही तीन जगह पे निर्वाचन आयोग में, तो तीन चार जगह पे इसकी वैकेंसीज आती हैं। और ये सभी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपका या तो लखनऊ और नहीं तो फिर इलाहाबाद, और ज़्यादातर लखनऊ में ही आपकी पोस्टिंग होने की संभावना है। तो इसलिए ये देखिए, लखनऊ वैसे भी यूपी का तो सबसे मतलब एक पॉश एरिया मान ही सकते हैं उसको, क्योंकि वो राजधानी है, और उसमें भी सबसे पॉश एरिया में ही आपका जो फ्लैट्स रहते हैं वो रहते हैं। और आरओ को जो है, रिव्यू ऑफिसर को 3 BHK के फ्लैट्स मिलते हैं, 3 BHK जो अपने आप में बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो 3 bedrooms, हॉल, किचन, ये सब चीज़ें जो है वो उसमें रहती हैं। तो इस लिहाज से आप देखिए कि बहुत अच्छे एरिया में, बहुत अच्छी सोसाइटी में आपको ये फ्लैट्स मिलते हैं। उसके साथ में जो अन्य सुविधाएं भी हैं, जैसे लाइब्रेरी या फिर जिम, ये सब सारी चीज़ें भी मिलती हैं। और सचिवालय के अपने भी कुछ एक फ्लैट्स होते हैं, अगर उसमें नहीं भी मिल पाता है तो फिर मतलब अगर मान लीजिए जगह भरी हुई है तो फिर वो जो है उन लोग का जहाँ अन्य से जो टाई अप है उन पे भी वो लोग जो दिलाते हैं वो भी बहुत ही उत्तम कोट के होते हैं। उसके बाद देखिए कि इसकी जो एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे ट्रांसफ़र कोई नहीं होता है, मतलब जल्दी जो है आपका जो भी ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र यहाँ पे होने की संभावना काफ़ी मतलब नहीं रहती है। और जो लखनऊ के बाहर, मतलब आप ये मान चलिए आपको परमानेंट लखनऊ में ही रहना है, इस टाइप की ये वैकेंसी है, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र होते हैं तो जो आपका जो एक मानसिक विकास है या फिर बच्चों का, आपके बच्चे जो हैं उनका मानसिक विकास, सारी चीज़ें अगर देखिए तो उस लिहाज से कहीं ना कहीं ये, हालांकि इसके प्लस माइनस अपनी जगह हैं, परंतु कई लोगों को ऐसा पसंद आता है, जैसे कि मुझे भी ये थोड़ा सा पसंद है कि ट्रांसफ़र कम होना, मतलब ट्रांसफ़र ज़्यादा होने के भी अपने प्लस पॉइंट्स हैं कि आप जो है हर जगह की कल्चरल हेरिटेज से अवेयर हो पाते हैं, वो सब चीज़ें हैं, परंतु ट्रांसफ़र यहाँ पे कम होते हैं, ये एक मुद्दा है। उसके बाद देखिए, क्वालिटी लाइफ आपको मिलती है, आपके मान लीजिए बच्चे या आगे की जो जनरेशन्स हैं, या फिर आपको जो एजुकेशन फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, ये सारी भी चीज़ें हैं, वो सारी भी उत्तम कोटि की मिलेंगी, क्योंकि आप लखनऊ में रह रहे हैं, आप राजधानी में रह रहे हैं, और आपका एक मतलब सचिवालय में होने की वजह से आपका एक अपना रसूख रहेगा, तो इस वजह से ये जो है काफ़ी एक अल्योरिंग पद हो जाता है, आकर्षक पद हो जाता है। इसके साथ में देखिए, तो प्रमोशन की अगर हम लोग बात करें तो प्रमोशन इसका जो है वो आपको आरओ जो है रिव्यू ऑफिसर से प्रमोशन, इसके नीचे देखिए, इसके नीचे होते हैं एआरओ, और एआरओ के नीचे में जैसे टाइपिस्ट हो गए या फिर ऑफिस असिस्टेंट हो गए या ग्रुप डी के कुछ कर्मचारी हो गए, तो ये सब इसके नीचे रहते हैं, एआरओ रहते हैं, आरओ रहते हैं। आरओ के बाद जो प्रमोशन होती है उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, इन सब में तो कम लगता है, मगर इधर जो है टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, वो ये है कि करीब आप मान लीजिए कि 8 से 10 साल लगता है, और ये आप बनेंगे सेक्शन ऑफिसर यानी SO, यानी कि एक अनुभाग के आप सर्वे सर्वा बनेंगे। उसके बाद देखिए कि SO के बाद आप जो है वो आप अनुसचिव बनेंगे, आप अनुसचिव से प्रमोट होके आप उपसचिव बनेंगे। तो देखिए इस प्रकार का, तो यानी कि आप देखिए आरओ के बाद जो अगला प्रमोशन है उसके बाद जो है वो आप क्लास 1 में आ जाएंगे, तो ये क्लास 1 ऑफिसर आपका जो सेकंड प्रमोशन होगा वो ही आपका क्लास 1 ऑफिसर होगा, आप सीधा अंडर सेक्रेटरी मतलब बन जाएंगे, ये अंडर सेक्रेटरी। और देखिए इससे कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि ये जो सेक्रेटरिएट है, मतलब आपका जो जैसे IAS होते हैं, IAS की जो शुरुआती जॉब लगती है वो अपने अपने फील्ड में लगती है, मान लीजिए DM बन गए या CDO बन गए या कुछ भी बन गए, लेकिन अल्टीमेटली सबको जाना कहाँ रहता है, सचिवालय में, वो केंद्रीय सचिवालय में जाते हैं। राज्य सचिवालय का जो हाल है उसमें देखिए, आप लोग वहाँ पर शुरू से ही जाके बैठ जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी वहाँ के मामलों पर उन ऑफिसर्स में एक ठीक ठाक पकड़ हो जाती है, तो इस वजह से आप मतलब सेकंड प्रमोशन ही आपकी अंडर सेक्रेटरी लेवल की है, क्लास 1 ऑफिसर की है, तो ये एक इसका प्रमोशन भी बहुत ज़बरदस्त है। और इसमें बाकी सारी प्रमोशंस जो है वो इजी हैं, मतलब 2-3 साल पे ही होती रहती हैं, परंतु ये इधर आरओ से SO बनने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए, अगर हम लोग बात करें कि ये जो है PCS अपर PCS जो PCS की एक नॉर्मल जो अवर
प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा है वो, उससे जो है ये ज़्यादा बेहतर है कि नहीं है, तो अगर इस पर बात करें तो देखिए कुछ मायनों में यानी कुछ पोस्ट से ये ज़्यादा बेहतर कही जा सकती है, क्योंकि इसमें देखिए अगर हम सैलरी जो हमारी ग्रेड पे वगैरह है इसकी बात करें तो ऑब्वियसली ये कई सारी पोस्ट जो अपर पीसीएस की होती हैं उससे बेहतर है, इसकी सैलरी जो है वो ज़्यादा है, परंतु वो अब चूंकि उनका नेचर जो है वो फील्ड वर्क का है, तो आप जानते हैं कि जहाँ पर फील्ड जॉब होती है वहाँ पर जो अवैध इनकम आप कह सकते हैं, ऊपरी कमाई कहते हैं जो नॉर्मली, वो सब की संभावना ज़्यादा होती है। वहीं यहाँ पर ये एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर ऐसी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ये एक आपकी एक ऑफिशियल जॉब है और इस वजह से आपको फालतू का किसी का मतलब बहुत ज़्यादा दबाव मानना या फिर इस टाइप की चीज़ें नहीं होंगी, आप बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं रहेंगे, साथ में आप एक अपने आप को एक नैतिक रूप से उच्च व्यक्ति मान सकते हैं, क्योंकि आप में इस तरह की चीज़ें में आपको इंडल्ज होने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, आपके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं लगेगा क्योंकि आप भ्रष्टाचार कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस लिहाज से देखिए कि अपर पीसीएस से कुछ पोस्ट से ये बेहतर है, मगर सारी पोस्ट से नहीं, क्योंकि इससे ऊपर की जो ग्रेड पे हैं उनमें जैसे आपका एसडीएम हो गया, डिप्टी एसपी हो गया, तो ये इससे ऊपर की ग्रेड पे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें तो ये बेटर नहीं है, परंतु हाँ कुछ एक, अब जैसे मान लीजिए आपकी क्वालिटी लाइफ की मैं बात कर रहा था, तो क्वालिटी लाइफ में आप जैसे इसको ऐसे देख सकते हैं कि आप मान लीजिए कि आप नायब तहसीलदार जो है आप किसी मतलब ऐसे ज़िले में हो गए जो कि बहुत पिछड़ा है, आपको लगता है कि पीसीएस को जो है बहुत बढ़िया बंगला और सब कुछ मिलता होगा, मिलता भी है मगर वो बड़े शहरों में मिलता है, छोटे शहरों में ऐसा कुछ जो है चीज़ें नहीं रहती हैं, उतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं रहती हैं, तो वहाँ पर अब पता चला कि लाइट ही नहीं आ रही है, फिर बड़े स्कूल वहाँ पर नहीं है, बड़े हॉस्पिटल्स नहीं हैं, तो आप समझिए कि वहाँ पर थोड़ी सी आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है। मैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट को कहीं से भी छोटा या बड़ा नहीं कह रहा हूँ, मैं एक जनरल सी बातें कर रहा हूँ जो आप समझ सकते हैं, आप लोग भी अपने स्तर पर इसको फील कर सकते हैं कि यहाँ पर जो अब मान लीजिए कि आपके बच्चे आगे होंगे तो उनको जब एजुकेशन देने की बात आएगी तो आप कहाँ पर देंगे, आप वो जो है मजबूरी में आपको वहाँ पर चूंकि कोई अच्छा स्कूल नहीं रहेगा, वही अगर आप लखनऊ में रहते हैं टाउन तो वहाँ पर आप एक अच्छी तालीम दे सकते हैं, या फिर किसी अन्य बड़े शहर में ये सब चीज़ें संभव हो जाती हैं, आपको इमीडिएट जो है अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स मिल जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप अगर काउंट करेंगे तो ये पोस्ट कहीं ना कहीं एक क्वालिटी लाइफ तो आपको देती है, तो इसलिए भी ये पद आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और बाकी इन दोनों में तुलना का मतलब मेरे लिहाज से कोई बहुत ज़्यादा ग्राउंड नहीं है, जिसको ये बेसिकली आपके अपने मन के ऊपर है, जिसको भाई फील्ड जॉब पसंद है उसके लिए अपर पीसीएस ज़्यादा बेहतर होगा, उसको ये बातें एकदम बकवास लगेंगी, और जिसको फील्ड जॉब नहीं पसंद है उसके लिए आपको ये इससे बेहतरीन कोई जॉब नहीं है, ऑफिशियल जॉब्स में इससे बेहतरीन समझ लीजिए कोई जॉब नहीं है। उसके बाद देखिए इन सभी बातों पर बात करने के बाद अब हम लोग आते हैं कि इसमें एक छोटी सी स्ट्रेटजी मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ, वैसे तो स्ट्रेटजी जो है वो मैं आपको अलग से अपने वीडियो में बताऊंगा, और मेरी ये कोशिश रहेगी कि आप लोगों को अगर इतना सारा पढ़ना है तो उसमें आप कम पढ़ के और इस एक साल के समय में अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर लें, क्योंकि इसमें देखिए अभी मेंस जो इसका फाइनली होगा, अब चूंकि इसमें देखिए इंटरव्यू होता नहीं है, ये आपको मैंने एग्ज़ाम पैटर्न बताना भूल गए थे, यहाँ पर देखिए इंटरव्यू नहीं है, तो इंटरव्यू नहीं है यानी प्री और मेंस केवल दो पेपर हैं, प्री में ऑब्जेक्टिव है, मेंस में आधा ऑब्जेक्टिव और आधा सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव में ऐसे है और हिंदी है, तो यहाँ पर आप समझिए कि ये पेपर जो है पैटर्न इसका थोड़ा सा इजी है एज़ कम्पेयर टू जो अपर पीसीएस है हमारा उससे, तो वहाँ पर देखिए कि प्री और मेंस की हम लोग स्ट्रेटजी, लेकिन वहाँ पर समस्या क्या आती है कि जब आप मेंस देने जाते हैं तो देखिए आपका जो प्री होगा वो मान लीजिए कि आपका अप्रैल के करीब होता है, एक सपोज करिए आप डेट रख लीजिए कि अप्रैल में होता है, आपका जो मेंस होगा वो जुलाई अगस्त में होगा, और रिजल्ट आने में प्री के वो एक महीने का समय लग जाता है, तो आपके पास कुल मिला के दो से ढाई महीना या तीन महीना, ढाई से तीन महीना ही आपके पास बचेंगे वो मेंस की तैयारी के लिए। तो अब यहाँ पर आप समझिए, अभी अगर आपका ये जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है दिसंबर में, तो आप जाहिर सी बात है तीन महीने बाद अगर एग्ज़ाम होगा तो आप केवल और केवल प्री का ही पढ़ेंगे,
ठीक है, वो पढ़ना लाजमी भी है, क्योंकि अगर आपका प्री ही नहीं निकलेगा तो आप मेंस के क्या मतलब तैयारी करने से क्या फ़ायदा, तो उस समय पे आप प्री ही पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप प्री के साथ में मेंस को भी लेके चलें। उसका कारण ये है कि मेंस जो है, जो आपका पेपर निकलना है वो अल्टीमेटली मेंस से ही निकलना है, प्री के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। प्री केवल क्वालिफाइंग है जो कि आपको मेंस तक पहुंचाएगा, उसके बाद प्री का रास्ता ख़त्म, वो सीढ़ी हट जाती है वहाँ से। मेंस के ही परफॉर्मेंस पे आपकी सिलेक्शन डिपेंड करता है। तो जब मेंस के ही परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है तो आप ये समझ लीजिए कि 3 महीने में आप मेंस की तैयारी नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा उसमें अतिरिक्त समय चाहिए रहता है। वैसे तो आप अपने स्तर पर सब तैयार कर ही लेंगे, लेकिन मैंने जैसा बताया कि आपसे बेहतर भी नहीं होने चाहिए, आपको अपने आप को उनसे बेहतर रखना है, तो वो जो है आपका एक मतलब रिफाइंड तैयारी जो होती है, एक फिनिशिंग टच जो अपनी तैयारी को देना रहता है, वो आप इन 3 महीनों में दीजिए। उससे पहले जो है आप काफ़ी हद तक मेंस का लगभग जो है 60% कोर्स आप कोशिश कीजिए कि 60-70% कोर्स कर लें। और ये कौन सा कोर्स करें, मेन बात यहीं पे आती है कि जो एक मतलब स्ट्रेटजी जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बल्कि मैं कहूँगा कि इस वीडियो की अगर सबसे महत्वपूर्ण बात है तो वो यही है कि क्या चीज़ हम लोग करें उसको आप समझिए। देखिए 4 चीज़ें उसमें जो मेन होता है वो होता है कि आपका एक तो GS हो गया और एक हो गया हिंदी ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उसके बाद आपका होता है हिंदी डिस्क्रिप्टिव, हिंदी डिस्क्रिप्टिव एंड एसे। अब देखिए हिंदी डिस्क्रिप्टिव जो है उसमें आपका आता है, एक तो होता है गद्यांश, गद्यांश के बाद आपका आता है पत्र, पत्र में सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र और परिपत्र, फिर उसके बाद जो है आपका जो विज्ञप्ति हो गया, अधिसूचना, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो ऐसे पत्र आते हैं, ठीक है, 3 पत्र लिखने रहते हैं। उसके बाद आपका आता है मुहावरे आते हैं, मुहावरे के बाद में आपका आता है पारिभाषिक शब्दावली आती हैं, पारिभाषिक शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली मतलब कि कुछ एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स होते हैं जिनको आपको हिंदी से इंग्लिश पूछा जाता है और इंग्लिश से हिंदी पूछा जाता है, वो आता है आपका। उसके साथ में आपका 10 नंबर कंप्यूटर आता है, ठीक है, हाँ ये इतनी चीज़ें आती हैं, ठीक है। और इसी तरीके से एसे जो है आपका, एसे आपको 9 टॉपिक्स दिए जाएंगे, 9 टॉपिक्स दिए जाएंगे, उसमें से आपको 3 पे कवर करना है, 3 टॉपिक्स पे आपको एसे कवर करना है, मतलब इतना जो है आपको लिखना है 3 घंटे में, ठीक है, 3 घंटे में 3 टॉपिक्स पे ऐसे लिखना है, लेकिन आपके पास 9 का चॉइस होगा, मतलब 9 टॉपिक्स आपको दिए होंगे। तो अब इसमें आप ये समझिए कि आप क्या ऐसा चीज़ है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि ये समझना कि क्या ऐसी चीज़ है जो हम लोग प्री के पहले यानी अभी जो हमारे पास समय है उसमें कवर कर सकें। ध्यान दीजिएगा, जो GS वाला पोर्शन है ये हमारा प्री के साथ ही होगा, तो जब आप प्री की तैयारी करें तो स्टैंडर्ड बुक से करें, अच्छी बुक से करें, और कोशिश करें कि हम केवल प्री ही ना निकालें, क्योंकि प्री पास होने का अपना एक संतुष्टि अपनी जगह है, चलिए लोगों की नज़रों पे आप हो सकता है थोड़े से अच्छे हो जाएं, सब चीज़ें हैं, जिनका प्री नहीं निकलता है उनको लगता है कि बस प्री ही निकल जाए वही बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप समझिए कि वो एक केवल आत्मतुष्टि या आत्मप्रवंचना मात्र होगा। उसमें आपको ज़रूरी है कि आप मेंस भी करें, क्योंकि सिलेक्शन आपको फाइनल तभी होना है। तो अगर आप फाइनल सिलेक्शन के लिए एस्पायर करना चाहते हैं तो इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिए कि आपका जो GS है वो एक अच्छे स्तर की GS करें, क्या बुक लिस्ट आपको फॉलो करनी चाहिए वो हमने ऑलरेडी अपने वीडियो में समझा दिया है, और वो आप जो है ज़रूर उस वीडियो को देख लें, इसके लिए डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं वो वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। इसके साथ ही देखिए हिंदी ऑब्जेक्टिव का जो है, हिंदी ऑब्जेक्टिव में जितना प्री में आता है वही आता है, लेकिन उससे एक चीज़ कम यानी पर्यायवाची जो है वो यहाँ पर नहीं आता है, तो उससे कम ही है, ज़्यादा नहीं है। इसी प्रकार से GS में भी वही है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर जो होता है इसमें, जो नेचर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसमें थोड़ा सा अंतर होता है, जिसको हम लोग अपने स्ट्रेटजी वीडियो में समझ रहे होंगे, प्री की स्ट्रेटजी वीडियो में हम लोग समझेंगे कि प्री में किन किन चैप्टर से कहाँ से किस किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। इसी प्रकार से मेंस की जब बात करेंगे तो मेंस के हम लोग एनालाइज करेंगे, पेपर को पिछले 4-5 सालों के पेपर को एनालाइज करते हुए बताएंगे
कि किस पोर्शन से ज़्यादा प्रश्न आते हैं और किन चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, कहाँ पे हमें ज़्यादा मेहनत करनी है, कहाँ पे कम मेहनत करनी है, तो एक स्मार्ट स्ट्रेटजी जो है वो हम आपको शेयर करेंगे। तो इससे आपका ये समझ लीजिए कि जीएस और हिंदी का जो पोर्शन है ये तो आप प्री के साथ ही कर लेंगे, यानी कि जब आपका मान लीजिए एक हम डेट लेते हैं दिसंबर में, अगर आपका ये पेपर नोटिफिकेशन आता है तो अगर आप दिसंबर से और मार्च अप्रैल तक केवल प्री की तैयारी करेंगे तो उसमें आपकी दरअसल प्री की तैयारी ही नहीं होगी बल्कि मेंस की भी होगी। लेकिन उसके साथ में देखिए हिंदी डिस्क्रिप्टिव की अगर हम बात करें तो हिंदी डिस्क्रिप्टिव में गद्यांश है, छोटा टॉपिक है, इसको अभी करने की ज़रूरत नहीं है, प्री के बाद में भी हो जाएगा और इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कोई टेक्निकल नॉलेज भी नहीं चाहिए। दूसरी बात की पत्र वाली बात है तो पत्र जो है वो भी एक वैसे बहुत छोटा ही टॉपिक है, इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहती है, पर मैं आपको ऐसी कुछ एक टेक्निक्स बता दूंगा पत्र की और ये पत्र वाला पूरा ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपसे अगर मतलब इतनी इसका अभ्यास करा दूंगा कि अगर आपसे कोई सोते में भी आपको उठा के पूछ ले कि हाँ सरकारी पत्र में दिनांक दाईं तरफ डालें कि बाईं तरफ डालें, नीचे डालें कि ऊपर डालें, तो आप सोते में भी बता देंगे, इतनी आपकी प्रैक्टिस इसमें मैं करवाऊंगा और आपको करना ज़रूरी भी होगा अगर आप इस परीक्षा को निकालना चाहते हैं। तो देखिए गद्यांश हो गया, पत्र हो गया, उसके बाद देखिए मुहावरे। मुहावरे अगेन आप इसको परीक्षा जो आपकी प्री आप क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद भी आप इसको कर सकते हैं। पारिभाषिक शब्दावली और कंप्यूटर, ये सारी भी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप उस समय तैयार कर सकते हैं, मतलब अभी आप इसमें बहुत ज़्यादा भी कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि हिंदी डिस्क्रिप्टिव को अगर आप कुछ भी इसमें से नहीं तैयार करते हैं तो भी आपको अभी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आप प्री निकाल भी लेते हैं तो भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको अभी कर लें तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। अगर जिसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि वो प्री उसका रुकेगा ही नहीं तो वो अपना इसकी तैयारी कर ले, उसमें कोई समस्या नहीं है। परंतु मैं ये कहूँगा कि अभी आप अगर इसको इग्नोर भी कर देते हैं, अगर मान लीजिए आप नए हैं या अभी आपकी तैयारी आपको प्री में ही थोड़ा सा डाउट है कि पता नहीं मेरा निकले कि ना निकले, तो अभी आप तब तक के लिए इसकी तैयारी चाहे तो ना भी करें तो चल जाएगा। परंतु यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है एसे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपका प्री के पहले आपको इसकी बारीकियाँ समझना, आपको इसके कुछ एक टॉपिक्स तैयार करना और साथ में कुछ एक ऐसे अपने लेवल पर लिखना, ये सभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इस परीक्षा को निकालना चाहते हैं। क्यों? तो क्योंकि इस परीक्षा मतलब ये जो ऐसे का जो पेपर होता है, ऐसे का पेपर एक ऐसा पेपर है जिसमें आपको एक जो है मतलब एक स्किल डेवलप करनी पड़ती है, एक राइटिंग की स्किल डेवलप करनी पड़ती है और वो रातों रात नहीं बन पाती। वो आप चाहें कि 3 महीने में आप डेवलप कर लें तो वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि उस समय आपको जीएस भी रिवाइज करना होगा, हिंदी भी रिवाइज करना होगा, हिंदी डिस्क्रिप्टिव का भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये उस समय में आपकी स्किल डेवलप हो जाए 2-3 महीनों में, ऐसा कतई संभव नहीं है। तो इसलिए आपको एक स्किल डेवलप करनी है तो आपको एक अच्छा लिखने की कोशिश करना पड़ेगा। जब आप पहला ऐसे लिखेंगे तो आपको उसमें समय लगेगा और मतलब 1 घंटे का ऐसे हो सकता है आप 2 घंटे में लिखें, उसके बाद भी आपको एकदम वो कबाड़ सा लगे। लेकिन जब आप उसी को 8वां 10वां लिख रहे होंगे, जब 20वां लिख रहे होंगे, जब 50वां लिख रहे होंगे, तो फिर आपका ये सारा डर भी ख़त्म हो जाएगा और आपके ऐसे की एक क्वालिटी होगी जो अपने आप में जो है वो मतलब बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी होगी। तो उसमें आपको फिर उसमें जो है आप मतलब लोगों को अपने लिखावट से, अपने जो प्रेजेंटेशन है उससे आप आकर्षित कर सकते हैं और बस यही एग्ज़ाम है कि आपको आकर्षित करना है वाले। तो देखिए ऐसे सभी लोग लिख के आते हैं, सभी अपने जानने भर में अच्छा ही लिख के आते हैं, लेकिन एग्जामिनर को भी वो अच्छा लगे उसके लिए आप लोगों को कड़ी मेहनत करनी होगी। और उसमें मेरा सजेशन यही रहेगा कि अभी आप सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, अभी आप केवल जीएस और हिंदी तैयार कीजिए और साथ में ऐसे तैयार कीजिए। ऐसे में आपका जो टॉपिक्स हैं उनको आप समझिए और इसमें मैं आपकी थोड़ी बहुत मेहनत कर सकता हूँ। अगर आप लोग जो है मतलब इंटरेस्ट दिखाते हैं तो फिर मैं थोड़ा बहुत सोचूंगा इसके बारे में कि कैसे हम लोग ऐसे पे काम कर सकते हैं आगे। बहरहाल अभी के लिए आप ये समझिए कि ऐसे का आप जो है वो थोड़ी बहुत अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपकी जो हमारी ये बात थी कि मेंस की आप 60-70% तैयारी, ये मान के चलिए आपकी 60-70% तैयारी ये हो जाएगी इससे, क्योंकि आप ऐसे वाला पोर्शन अगर काफ़ी हद तक तैयार कर लेते हैं, साथ में ये जीएस और हिंदी तैयार कर लेते हैं तो आपका हो ही गया। फिर तो बस एक यही सब्जेक्ट रह जाएगा, इसमें भी गद्यांश कुछ खास नहीं है और बाकी चीज़ें भी जो हैं वो उतनी ज़्यादा नहीं है। ये सभी आसानी से महीने भर के अंदर ही में सारा हो जाएगा, 2 महीने में आप अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ऐसे में क्या है कि ऐसे में आपको जो है कॉन्टेंट पहले तो
परंपरागत कुछ एक ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि साहित्य और संस्कृति बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसके बारे में आपको कंटेंट इकट्ठा करना है, उसके साथ में करंट टॉपिक से भी रिलेटेड आते हैं, तो जो आपके करंट मुद्दे चल रहे हैं उनको एक अच्छी उसकी समझ विकसित करनी होती है। तो इस तरीके से देखेंगे कि इसमें जो है मतलब ऐसे जो है वो आपको एक टफ टॉपिक हो जाता है, और इसमें जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है। जैसे जो जीएस हिंदी है उसमें हो सकता है कि ये दोनों मिला के जीएस आपका जो है ये होता है 120 नंबर का, ये होता है 60 नंबर का, दोनों मिला के 180 हो गया। हो सकता है कि आपके जो है आपने बहुत अच्छा पढ़ा तो आपके 140 नंबर आ गए, जिसने कम पढ़ा उसके हो सकता है 120 आ गए, जो एकदम ही कम पढ़ा, जो एकदम ज़्यादा पढ़ लिया उसके 140 आ गए, जो नॉर्मल पढ़ा उसके हो सकता है 130 135 आ गए। तो इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन जो आप ऐसे में हैं, अगर आप ऐसे की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसमें आप सीधा सीधा 15 से 20 नंबर तो केवल इस पेपर में ही बढ़ा लेते हैं दूसरों से। तो आपको जो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो ये पेपर आपको दिला देते हैं ऐसे, इसलिए आपको ये एक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऐसे से रिलेटेड कि कैसे अच्छा ऐसे लिखें, कैसे हम लोग जो है उसकी प्रस्तुति अच्छी कर सकें, कैसे हम लोग उसकी शुरुआत करें अंत करें, इन सब पर हम एक आपका वीडियो जो है कोशिश करेंगे कि ले आएँ, अगर आप लोग ऐसा कुछ इंटरेस्ट दिखाते हैं कमेंट में तो ठीक है। तो ये सारी बातें रहीं, और देखिए टीचर का काम है गाइड करना, हम लोग जो है वो आप लोगों को अच्छा गाइड कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर जो ऐसे लिखना है उन चीज़ों को समझना है, जो मैटर तैयार करना है, वो सभी जो है वो आपको ही करना है। तो इसमें आपकी एक सेल्फ स्टडी भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। हम लोग तो केवल आप लोगों को स्ट्रेटजी बता देंगे, या फिर आप लोगों को हो सकता है कुछ एक कंटेंट दे दें, मतलब आप लोगों को सारे कंटेंट भी अवेलेबल करा दें, लेकिन अल्टीमेटली लिखना आप ही को है। तो एक जो लिखने वाली स्किल डेवलप करनी है वो आपको ही डेवलप करनी है, आपको ही उस पर मेहनत करनी है, ठीक है। तो ये आप वही समझ लीजिए कि जैसे एडिसन ने कहा था कि अगर आप जो है टैलेंटेड होना चाहते हैं तो टैलेंट क्या है, टैलेंट के लिए आपको 1% इंस्पिरेशन लगती है, 1% इंस्पिरेशन और 99% परस्पिरेशन, परस्पिरेशन मतलब मेहनत। तो देखिए जो हम लोग स्ट्रेटजी वीडियो और ये सब जो सैलरी और ये सब जो डिस्कशन कर रहे हैं ये केवल आपको 1% इंस्पिरेशन दे रहे हैं, यानी प्रेरणा दे रहे हैं, 1% की ये प्रेरणा दे रहे हैं आपको, लेकिन 99% आपको मेहनत करनी है खुद से। तो ये मेहनत जो है आप लोगों को खुद से ही करनी है, और ये आप लोग जब कर लेंगे तभी ये आपको वास्तव में काम आएगी। ये 1% प्रेरणा आप समझ सकते हैं कि इसका रेशियो कितना कम है, तो हम लोग का जो काम है वो बहुत कम है, असली हार्ड वर्क जो है वो आप लोगों को ही करना है। वो एक जैसे वो शायरी है ना, पता नहीं किसकी आएगी, ना किसी हम सफ़र ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो उसी तरीके से आप लोगों को कोई और मतलब हेल्प कर सकता है, जैसे कहते हैं कि मतलब न सोच तू कि सिएगा वह तेरी चादर भी, वह सिर्फ सुई में धागा पिरोने वाला है। तो यानी हम लोग जो है आपको केवल धागा पिरो सकते हैं सुई में, लेकिन असली सुई जो है वो चलानी आप ही को है, असली जो वो सिलाई कढ़ाई बुनाई जो भी करना है वो आप ही लोगों को करना है। तो इसलिए मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप लोग अभी से ऐसे पे अपना तैयारी शुरू कर दीजिए, और इसके साथ ही साथ जीएस और हिंदी पे शुरू कर दीजिए। चलिए आज का ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें पसंद आई होंगी और आपकी तैयारी में ये एक बूस्ट का काम करेंगी। अगर आपको कभी भी किसी भी मुद्दे पर आप इस तैयारी को लेकर हतोत्साहित महसूस करते हैं, यानी डिमोटिवेटेड फील करते हैं, तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, जिससे कि आपको एक थोड़ा सा इस पद का जो आकर्षण है उसको आप अपने से महसूस कर सकेंगे, और तब इस तैयारी में ज़्यादा बेहतर तरीके से खुद को झोंक सकेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।